वेलकम टू ओनली आई, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 18 जुलाई 2019। तो आइए देख लेते हैं ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट न्यूज एंड आर्टिकल्स हैं जो आज हमें डिस्कस करने हैं। जो पहला आर्टिकल है वो मरकंडेश्वर टेम्पल के बारे में है। कंटेक्स्ट क्या है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी रिस्टोरेशन वर्क को स्टार्ट कर दिया है मरकंडेश्वर टेम्पल में, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। मरकंडेश्वर टेम्पल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये रिवर वेन गंगा के बैंक पे सिचुएटेड है, जो कि महाराष्ट्र के गढ़चिरोली डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है। इसे खजुराहो ऑफ विदर्भ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही भव्य मंदिर है, अच्छा मंदिर है। मरकंडेश्वर टेम्पल नागर ग्रुप ऑफ टेम्पल ऑफ नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है। तीन टेम्पल स्टाइल्स होती हैं, अपने आर्ट एंड कल्चर में हो सकता है पढ़ा हो, नागर स्टाइल, द्रविणियन स्टाइल एंड बेसर स्टाइल। नागर स्टाइल जो कि नॉर्थ इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है, द्रविणियन स्टाइल जो कि साउथ इंडिया में काफ़ी प्रेवलेंट है, और बेसर स्टाइल एक्चुअली में एक हाइब्रिड स्टाइल होती है जिसमें नागर और द्रविण दोनों के ही फीचर्स मिल जाते हैं। अगर स्टाइलिस्टिक ग्राउंड पे बात किया जाए, जिस तरीके से इस टेम्पल को कंस्ट्रक्ट किया गया है, बनाया गया है, तो ये कहा जा सकता है कि इस टेम्पल को 9th to 12th century के बीच में किसी समय बनाया गया होगा। ये टेम्पल शैव, वैष्णव और शाक्त फेथ से बिलोंग करता है। शैव वैष्णव फेथ के बारे में तो हो सकता है नाम से ही क्लियर हो रहा है, आपको पता होगा ये शिव भगवान पर सेंटर्ड फेथ होता है, वैष्णव विष्णु भगवान पर सेंटर्ड फेथ होता है। शाक्त फेथ में एक्चुअली में गॉडेस की पूजा की जाती है, गॉडेस शक्ति की पूजा की जाती है। मोस्ट ऑफ द जो टेम्पल्स हैं उनका प्लान बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको अर्ध मंडप मिलेगा, फिर मंडप मिलेगा, फिर अंतराल मिलेगा, उसके बाद गर्भगृह। इनका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अर्ध मंडप एक्चुअली में हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर का एक एंट्रेंस का पार्ट होता है, जहाँ पर आप इसे एक एंट्रेंस पोर्च कह सकते हैं। पोर्च का मतलब बरामदा होता है। तो ये ट्रांजिशनल एरिया होता है, जो बाहर मंदिर का एरिया है। उसके बाद जब आप टेम्पल के मंडप में एंट्री करते हैं तो उसके पहले अर्ध मंडप आता है। तो आप इसे मैप में देखना चाहें या फिर एक इमेज में देखना चाहें, तो ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं यहाँ पर अर्ध मंडप लिखा भी गया है, तो ये जो एरिया है ये अर्ध मंडप का है। ये टेम्पल के आउटसाइड का एरिया है और ये मंडप का एरिया है। मंडप के एरिया में एक्चुअली में भजन कीर्तन या फिर कोई भी अगर संगीत होना है, ईश्वर की आराधना के लिए कोई नृत्य किया जाना है, तो ये मंडप में ही हुआ करता था, आज भी होता है। तो मंडप में जाने से पहले जो एक ट्रांजिशन फेज आता है, एरिया आता है, उसे ही अर्ध मंडप कहा जाता है। तो अर्ध मंडप और मंडप ये तो आपने यहीं पर देख लिया। गोपुरम क्या होता है? गोपुरम एक्चुअली में मॉन्यूमेंटल एंट्रेंस टावर होता है। जब भी आप किसी टेम्पल में एंट्री करते हैं, बेसिकली आप जो बहुत ही भव्य गोपुरम है वो साउथ इंडियन टेम्पल्स में देख सकते हैं, द्रविणियन स्टाइल में देख सकते हैं। द्रविणियन आर्किटेक्चर का बहुत ही की पार्ट होता है, बल्कि गोपुरम बनवाने के लिए तो होड़ मची रहती थी किंग्स के बीच में। जिसका गोपुरम जितना ज़्यादा बड़ा होता था उसकी ग्लोरी उतनी ज़्यादा बड़ी होती थी। जब भी कोई राजा कोई युद्ध जीत कर आता था तो वो टेम्पल के गोपुरम को और बड़ा कर देता था। रिजल्ट ये निकला कि टेम्पल्स छोटे छोटे रह गए और गोपुरम जो कि एग्जैक्टली एक एंट्रेंस टावर हुआ करता था, एंट्रेंस गेट आप कह लीजिए, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। तो साउथ इंडियन या द्रविणियन स्टाइल टेम्पल्स में आप गोपुरम बहुत बड़े बड़े पा सकते हैं। तो गोपुरम एक एंट्रेंस पार्ट होता है। गर्भगृह सैंक्टम सैंक्टोरम होता है, मतलब एक पवित्र स्थान होता है जहाँ पर भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। वहीं पर जाकर हम पूजा आरती सब कुछ करते हैं। तो अगर आप इसे इमेज में देखना चाहें तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं ब्लू कलर में जहाँ पर पॉइंटर है, ये गर्भगृह है। यहाँ पर भगवान की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। टेम्पल का ये जो एक कर्व्ड टावर होता है उसे शिखर कहा जाता है। शिखर के ऊपर आमलक होता है और आमलक के सबसे ऊपर एक कलश रखा जाता है। तो मरकंडेश्वर टेम्पल का भी यही आर्किटेक्चर है जो यहाँ पर आपके सामने दिखाया गया है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पर अवेल की मरकंडेश्वर टेम्पल के बारे में। अब अगला आर्टिकल देखते हैं, लेसर फ्लोरिकन और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का नाम तो आपने सुना ही होगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का ही एक वेरिएंट है लेसर फ्लोरिकन। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में ये कहा है कि अर्जेंटली एक हाई पावर्ड कमेटी का गठन किया जाए जो कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन को बचाने के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान तैयार करें। इसीलिए ये टॉपिक न्यूज़ में है। तो सबसे पहले हम लेसर फ्लोरिकन के बारे में बात कर लेते हैं। लेसर फ्लोरिकन को लिख या फिर खारमोर के नाम से भी जाना जाता है। बस्टर्ड फैमिली का ये सबसे छोटा पक्षी होता है, मतलब बस्टर्ड फैमिली के जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन ये सबसे छोटा पक्षी होता है बस्टर्ड फैमिली का, जिसका नाम लेसर फ्लोरिकन है। नाम में भी लेसर लगा हुआ है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एंडेमिक है। एंडेमिक होने का मतलब ये होता है कि ये केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाया जाता है। देखिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब इंडिया नहीं है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही नेपाल, बांग्लादेश, भूटान ये भी आ जाते हैं। तो जब हम सब कॉन्टिनेंट कहें और इंडिया कहें तो दोनों में अंतर है। एंडेमिक टू इंडिया इज़ डिफरेंट थिंग और एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज़ डिफरेंट थिंग। देखिए, जहाँ पर बड़ी बड़ी
घासें होती हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, वहाँ पर ये लेसर फ्लोरिकन पाए जाते हैं। IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है। फिर से रिपीट करता हूँ, IUCN की रेड लिस्ट में इन्हें इंडेंजर्ड डिक्लेयर किया गया है। लेसर फ्लोरिकन स्मॉलेस्ट बस्टर्ड इस दुनिया का है, जिसका वेट मुश्किल से 500 से 750 ग्राम होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, लेसर फ्लोरिकन को लिख या खारमोर भी कहा जाता है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट का एंडेमिक है, IUCN की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड है और स्मॉलेस्ट बस्टर्ड है दुनिया का, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में कुछ बातें जान लीजिए। इसकी जो पॉपुलेशन है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की, वो मोस्टली राजस्थान और गुजरात में कन्फाइंड है। हालांकि इनकी कुछ पॉपुलेशन आपको महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में भी मिल जाएगी। अगर कोई ये कह दे कि केवल राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ये राजस्थान के स्टेट बर्ड भी है। कंजर्वेशन स्टेटस क्या है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का? शेड्यूल 1 में लिस्टेड है इंडिया के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, मतलब हाईएस्ट प्रोटेक्शन ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को मिली हुई है। इसके इतर ये साइट्स के अपेंडिक्स 1 में भी है, और इतनी हाई प्रोटेक्शन का कारण ये है बिकॉज इट इज़ क्रिटिकली इंडेंजर्ड, इनकी संख्या बहुत कम है। तो इसी टॉपिक के संबंध में एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली मैं आपको एक हिंट दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि हम किस नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं। इस नेशनल पार्क का ग्रेटेस्ट अट्रैक्शन एक बर्ड है जिसका नाम है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है और केवल इंडिया में ही पाई जाती है। आप बताइए हम किस नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, कोल्लेरू नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, डेजर्ट नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं, या फिर अगस्था मलाई नेशनल पार्क की बात कर रहे हैं? ट्राई टू गेस। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, डेजर्ट नेशनल पार्क। डेजर्ट नेशनल पार्क में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। जो भी इनकी पॉपुलेशन है उसकी बड़ी संख्या वहाँ पर पाई जाती है। अगला आर्टिकल इंटरनेट साथी के बारे में है। गूगल जो कि एक इनिशिएटिव लेकर आया था इंडियाज इंटरनेट साथी प्रोग्राम, उसने अभी दो और स्टेट्स को ऐड किया है अपने इस प्रोग्राम के तहत, दैट इज़ पंजाब एंड उड़ीसा। इस प्रोग्राम को एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत 2015 में लॉन्च किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि हम एक इनिशियल स्केल पर यह देखने का प्रयास करते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छे से काम कर पाएगा या नहीं। जब भी किसी प्रोजेक्ट को बड़े स्केल पर इंप्लीमेंट किया जाता है तो उसके पहले एक छोटा सा ट्रायल लिया जाता है, जिसे पायलट प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो टाटा ट्रस्ट के साथ मिलकर गूगल ने इसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 2015 में लॉन्च किया था। प्रोग्राम का उद्देश्य ये था कि रूरल वुमेन को एम्पावर किया जाए ताकि वो इंटरनेट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। और अभी ये प्रोग्राम 20 स्टेट्स तक फैल चुका है, इंक्लूडिंग पंजाब एंड उड़ीसा। इसके पहले तक इसका स्प्रेड 18 स्टेट्स में था, और इन दोनों स्टेट्स को इंक्लूड करने के बाद अब इसका जो स्प्रेड है वो 20 स्टेट्स तक पहुंच चुका है। प्रोग्राम ने काफ़ी मदद की है अवेयरनेस इश्यूज को फैलाने में, जैसे कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन को लेकर या मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो महिलाओं को बहुत ध्यान में रखना होता है, नहीं तो कई तरीके की बीमारियों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो उस संबंध में भी इस प्रोग्राम के तहत काफ़ी अवेयरनेस फैलाई गई है। प्रोग्राम का इम्पैक्ट क्या हुआ? इम्पैक्ट की बात करें तो 4 साल की जर्नी रही अभी तक। 2015 में लॉन्च किया गया था, 2019 में अभी हम लोग हैं। तो 70,000 इंटरनेट साथी अभी तक इंटरनेट का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं, और इससे काफ़ी पॉजिटिव चेंज आया है उनकी कम्युनिटीज़ में। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक, जो कि गूगल ने खुद ही कंडक्ट करी थी, बिकॉज ये इनिशिएटिव भी गूगल का ही है, लगभग 70% जो इंटरनेट साथीज हैं वो ये बिलीव करते हैं कि उनके गांव में उन्हें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के तौर पे देखा जाता है। जैसे आपने भी देखा होगा कि अगर आप थोड़ा बहुत इंटरनेट चलाना जानते हैं तो आपकी लोकेलिटी में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे इंटरनेट के बारे में कोई प्रॉब्लम है या वो कोई मेल नहीं भेज पा रहा है, तो वो आपके पास आता है कि आप मेरी मदद कर दीजिए, या वो कुछ ऑनलाइन मंगाना चाहता है तो वो आपसे कहता है कि आप मेरे लिए ये चीज़ ऑर्डर कर दीजिए, आप मेरा ये मेल भेज दीजिए। तो जो इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन रखते हैं उन्हें सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन के तौर पर देखा जाता है उनकी लोकेलिटी में, और ऐसा 70% इंटरनेट साथीज ने भी माना है। 30% जो साथीज हैं उन्होंने अपना बिजनेस सेटअप भी कर लिया है, किसी ने साइबर कैफे खोल लिया, कोई एक छोटा मोटा फॉर्म वगैरह फिल कर रहा है स्टूडेंट्स के लिए और काम कर रहा है अपनी आजीविका के लिए। तो काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट रहा इंटरनेट साथी गूगल के इस इनिशिएटिव का, ठीक है। अगला आर्टिकल ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स के बारे में है, शॉर्ट फॉर्म है BRI। ध्यान दीजिएगा, यह है ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स, ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बिल्कुल नहीं है। तो कंटेक्स्ट क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम यानी कि DOT और इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस ICRIR ICRIER ने अभी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप किया है, जिसके तहत एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स तैयार किया जाएगा इंडियन स्टेट्स और UTs के लिए। तो इसके बारे में कुछ बातें जानते हैं। देखिए, जो नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी है NDCP 2018, वो रिकमेंड ये करता है कि एक ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स तैयार किया जाए स्टेट्स और UTs के लिए, जिसके ज़रिए हम इन्वेस्टमेंट को इंडिया में अट्रैक्ट कर सकें।
जो पहला BRI है वो एस्टिमेट करेगा 2019 में स्टेट्स को कि कहां पर कितना अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है और इसे हर साल लगातार 2022 तक कम से कम किया ही जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है इस इंडेक्स को तैयार करने का? ऑब्जेक्टिव ये है कि कंडीशन को पता किया जा सके कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बेहतर है किस स्टेट में, किस यूटी में, जो रिलेटेड फैक्टर्स हैं वो कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ब्रॉडबैंड रेडीनेस इंडेक्स के दो बेसिक पार्ट होंगे। पहला पार्ट जो होगा उसमें फोकस किया जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर का कैसा डेवलपमेंट किया गया है ब्रॉडबैंड के पर्सपेक्टिव से, ताकि इंटरनेट की फैसिलिटी कितनी बेहतर तरीके से लोगों तक कन्वे की जा रही है। दूसरा काम ये होगा इस इंडेक्स का कि ये डिमांड साइड पैरामीटर्स को भी जज करें, परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड के परस्पेक्टिव से एग्जाम्पल की बात करते हैं कि ऐसे कितने घर हैं जहां पर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जितने कितने लोगों के पास इंटरनेट का कनेक्शन है, इंटरनेट यूजर्स कितने हैं एज ए परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, स्मार्टफोन की डेंसिटी कितनी है, इन चीज़ों को भी इस इंडेक्स में इवेल्युएट किया जाएगा। कौन कौन से स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होंगे? पहला स्टेक होल्डर होगा स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा इंडस्ट्री एसोसिएशंस जैसे कि टावर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन टाइपा, दूसरा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्पाई, और तीसरा सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोआई। तो ये स्टेक होल्डर्स होंगे जो इस पूरे इंडेक्स को तैयार करने में इन्वॉल्व होंगे और मदद करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की, ताकि वो इस इंडेक्स को बेहतर तरीके से डेवलप कर पाएं और अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर पाएं। अगला आर्टिकल जो है वो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में है। न्यूज़ में क्यों है, कंटेक्स्ट क्या है? देखिए, अभी इस बजट में एक प्रपोजल रखा गया है कि एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्टैब्लिश किया जाएगा। इनफैक्ट एक नहीं, दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स डेवलप किए जाएंगे। पहला होगा तमिलनाडु में और दूसरा होगा उत्तर प्रदेश में। इसके बारे में कुछ बेसिक बातें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से हमारा मतलब क्या है। ये एक रूट होता है जिसके किनारे डिफेंस की इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए एटमॉस्फेयर क्रिएट किया जाता है, ताकि हम डिफेंस इक्विपमेंट का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इन्हेंस कर सकें, पब्लिक सेक्टर के द्वारा हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर के द्वारा हो, चाहे ये काम MSMEs करें, और डिफेंस फोर्सेस की ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज को बढ़ाने के उद्देश्य से ये काम किया जाता है। जैसे हमने ये रोड डेजिग्नेट कर दी कि ये जो आगरा से मैनपुरी रोड जा रही है, इस रोड के किनारे हम डिफेंस की इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे, और जो प्राइवेट सेक्टर या पब्लिक सेक्टर यहाँ पर इंडस्ट्रीज को डेवलप कर रहे हैं उन्हें कुछ छूट दी जाएगी टैक्स में, या हम किसी और तरीके से उन्हें इंसेंटिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे कॉरिडोर्स को डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहा जा सकता है। इन कॉरिडोर्स को डेवलप करने से मदद क्या मिलती है? इससे जो सेक्टर है उसमें ग्रोथ आती है और रीजनल इंडस्ट्री एग्लोमरेशन होता है, यानी कि वो इंडस्ट्रीज एक जगह पे इकट्ठा होने लगती हैं, एक ही जगह पे एक ही नेचर की कई सारी इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती हैं, जिससे वो कंपीट भी करते हैं अच्छी क्वालिटी के लिए। इसका एक और अच्छा आउटकम ये निकलता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन इनकरेज होता है, जिसका फायदा स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरर्स को भी मिलता है इस कॉरिडोर में। जो लोकेशन होती है कॉरिडोर की, उसे स्ट्रेटजिकली डिसाइड किया जाता है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा कि कौन सी लोकेशन तैयार की जाए, ताकि जो हमारी फोर्सेस हैं उनको उन प्रोडक्ट्स की सप्लाई बेहतर तरीके से की जा सके। जो प्रपोज्ड कॉरिडोर है वो तमिलनाडु में है, जो कि कनेक्ट करेगा कट्टुपल्ली पोर्ट को, चेन्नई को, तिरुचिरपल्ली को, कोयम्बटूर को, होसुर और बेंगलुरु को। यूपी में जो कॉरिडोर तैयार किया जा रहा है वो आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट, झांसी, कानपुर और लखनऊ को जोड़ेगा। तो ये बातें हमने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में की। अगला आर्टिकल NIA अमेंडमेंट बिल 2019 के बारे में है। ये न्यूज़ में क्यों है? देखिए, तीन मेजर अमेंडमेंट्स अभी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के एक्ट ऑफ 2008 में किए गए हैं, इसके बारे में बातें जानते हैं। देखिए, अभी जो एग्जिस्टिंग एक्ट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट ऑफ 2008, उसमें कुछ पार्टिकुलर फील्ड्स में NIA को इन्वेस्टिगेशन के अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 के तहत जो प्रावधान है, या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967 इसके तहत जो प्रावधान है, इनमें इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार NIA को है। अमेंडमेंट ये इनेबल करता है NIA को कि वो कुछ अन्य फील्ड्स में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, लाइक ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटरफीट करेंसी, मैन्युफैक्चर और सेल ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, अगर कोई ऐसा हथियार है जिसे बैन किया जा चुका है लेकिन फिर भी उसे बनाया जा रहा है तो उसे रोकना, ठीक है, साइबर टेररिज्म, या फिर एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 के तहत जो भी प्रावधान है उनके तहत भी अब इस अमेंडमेंट के बाद NIA इन्वेस्टिगेशन कर पाएगा। NIA ऑफिसर्स को बिल्कुल वही पावर्स दी जाती हैं जो कि अदर पुलिस ऑफिसर्स को होती हैं, और इनकी पावर्स की खास बात यह है कि ये पूरे देश में एक्सटेंडेड होती है। ये जो बिल है, इसके अमेंडमेंट के बाद जो NIA ऑफिसर्स होंगे उनकी इन्वेस्टिगेशन की जो पावर होगी उसे इंडिया के बाहर भी एक्सटेंड कर दिया जाएगा।
अब देखिए ये बात हो सकती है कि आप दूसरे देश में जाके कैसे इन्वेस्टिगेशन कर पाएंगे, तो जब ये एनआईए का जुरिसडिक्शन किसी दूसरे देश में स्प्रेड हो रहा होगा तो वहां पर वो इंटरनेशनल ट्रीटीज और उस देश की डोमेस्टिक लॉज के हिसाब से काम करेंगे। जो एग्जिस्टिंग एक्ट है वो सेंटर को अलाउ करता है कि वो स्पेशल कोर्ट का निर्माण करें ताकि एनआईए के जो ट्रायल्स हैं, जो शेड्यूल्ड ऑफेंसेस हैं, जो एनआईए के लॉज में लिखे गए हैं, उनके लिए स्पेशल कोर्ट हो ताकि उनकी जल्दी सुनवाई की जा सके। लेकिन ये बिल अब सेंट्रल गवर्नमेंट को इस बात के लिए अलाउ कर देगा कि वो सेशन कोर्ट को भी डेजिग्नेट कर सकते हैं कि वो एनआईए के ट्रायल्स के लिए स्पेशल कोर्ट की तरह काम करें। फिर से रिपीट करता हूं, ये बिल अथॉरिटी देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सेशन कोर्ट्स को भी डेजिग्नेट कर सकते हैं एज ए स्पेशल कोर्ट ऑफ एनआईए ट्रायल्स। अमेंडमेंट बिल के तहत जो स्कोप है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का यानी कि एनआईए का, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। एनआईए की कुछ बेसिक बातें, एनआईए को एनआईए एक्ट 2008 के तहत बनाया गया था, अल्टीमेटली 2009 में इसे सेट कर दिया गया था और इसके बैकग्राउंड में मुंबई टेरर अटैक था। मुंबई में जो अटैक हुआ था उसमें एक बहुत बड़ा फेल्योर देखने को मिला था इंडिया की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का। दैट्स व्हाई डिसाइड किया गया कि एक ऐसी एजेंसी हो जो अच्छी तरीके से इस दिशा में काम करती रहे। तो एनआईए सेंटर काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी की तरह भी काम करता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है और ये एजेंसी इसलिए भी इम्पावर्ड है कि टेरर रिलेटेड जो भी क्राइम्स हो रहे हैं वो किसी भी स्टेट में हो रहे हों, वो बिना परमिशन के जाकर वहाँ पर एक्शन ले सकते हैं। ऐसा देखिए दिक्कत आती है सीबीआई को, सीबीआई जब भी किसी स्टेट में जाके इन्वेस्टिगेशन करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें उस स्टेट की परमिशन लेनी पड़ती है। ऐसा कोई केस एनआईए के साथ नहीं है। ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड स्टैब्लिश करने का प्रयास करते हैं कि हम कैसे एक्सीलेंस अचीव कर सकते हैं टेररिज्म को रोकने में, या जो अदर नेशनल सिक्योरिटी रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस हैं नेशनल लेवल पर उनको कैसे बेहतर तरीके से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर कंडक्ट किया जाए। तो यहाँ पर हमने ये बातें एनआईए के बारे में की। ये सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।